तो मित्रों, स्वागत है आपका यूएफओ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड क्रिस्पी फिश, एक कुरकुरी मछली जो कि हम ओवन में पकाएंगे। तो मछली वैसे भी बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और हफ्ते में 2-3 बार खाने तल के खाना ठीक नहीं रहता इसको, तो इसको हम बेक करके बनाएंगे। इसको मैंने लिया है इसमें बासा मछली। आप चाहें तो जो भी मछली आपको पसंद आती हो, जो मछली आपके यहाँ मिलती हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह धो लिया है और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हमने लिया है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा तंदूरी मसाला लिया है मैंने, लाल मिर्च, हल्दी और नींबू, और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसको हम पहले एक मैरिनेट तैयार करते हैं इसका। तो देखिए, हम इसमें नींबू का रस निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्लास हमने नींबू का रस निकाल लिया और इस नींबू के रस में हम भी मसाले मिला लेते हैं। हल्दी डाल ली हमने, इसमें मिर्ची डाल ली, इसमें हमने तंदूरी मसाला डाल लिया, ये नमक डाल दिया हमने, ये लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और ये उससे थोड़ा सा कम अदरक का पेस्ट, ये डाल के हम इसको मिला लेते हैं। तो एक बढ़िया मसाला सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। उसको हमने नींबू मिला लिया पूरा, उसमें हम थोड़ा सा हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया मैंने, इसको मिक्स कर लीजिए और फिर इसको हम मछली के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए, एक तरफ से हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम इसको, ये बेकिंग जो ट्रे है इसके अंदर इसको हम जिस तरफ से हमने मसाला लगाया उस तरफ से इसको बिछाएंगे। थोड़ा सा हम ये ऑयल डाल देते हैं बेस बनाने के लिए, स्प्रे कर देते हैं ऑयल का। और ये देखिए, इसको हम उठा के ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। अब ये दूसरी तरफ जो है मछली, उसको भी आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए दूसरी तरफ से भी अंदर। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट लगा लिया पूरा दोनों तरफ से इसमें। और अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम डालेंगे। वो सिर्फ एक ही साइड डालिएगा जो ऊपर की तरफ है। तो ऐसे करके इसके ऊपर आप ये ब्रेड क्रम इसको कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम से। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रेड क्रम हमने कोट कर दिया इसके ऊपर। अब हमने ओवन वहाँ 350 डिग्री पे प्री हीट के लिए लगा दिया है। अब ओवन में इसको डालने के पहले थोड़ा इसके ऊपर काली मिर्च, आप एकदम फ्रेश काली मिर्च डाल दीजिए, इसका स्वाद बड़ा अच्छा उतर जाता है इसके अंदर। और फिर हम इसको ओवन में डालते हैं। पहले हम 25 मिनट के लिए इसको सीधे डालेंगे और 25 मिनट डालने के बाद में इसको खोल के देखेंगे और थोड़ा सा इसको हिला दीजिएगा उस वक्त, ताकि वो चिपके ना नीचे से। और फिर 20 मिनट के लिए इसको पलटा के रख देंगे उसके अंदर। और जब वो 20 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो बस मछली हमारी एकदम तैयार मिलेगी। इस पर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे इसका। तो वो जो स्प्रे ऑयल स्प्रे है हमारे पास, उसको ऐसे करके आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ये तैयार हो गया, इसको हम ओवन में रखते हैं। तो देखिए, हमने ऑयल डाल दिया। अगर आपका स्प्रे ऑयल ना भी हो तो आप वो ऑयल चम्मच से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसका पर्पज़ ये है कि वो मॉइस्चर बना रहा है इसका मछली का। तब इसको हम रखते हैं ओवन में। तो ये देखिए, मैंने इसको फिश को निकाल के डिश आउट कर लिया है, ओवन से निकाला है। ओवन में हमने क्या किया था कि 25 मिनट तक पहले इसको एक साइड से होने दिया, 25 मिनट के बाद में 350 पे 25 मिनट के बाद में उसको हमने पलटा दिया था और फिर से 20 मिनट किया। और फिर हमने निकाल के देखा था, थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन लग रहा था, तो 10 मिनट फिर हमने उसको और चलाया उसके अंदर, ओवन के अंदर। तो इस ढंग से बन के निकली है। और इसको हमने प्याज, नींबू और मिर्च के साथ में परोसा। अब इसको आप खाने के लिए चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्वाद आया इसका। तो आप भी बनाइए और खाइए बेक्ड क्रिस्पी फिश। सब कहेंगे क्या लाजवाब बनी है डिश, भाई वाह। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ में।